लोकसभा के अंदर राज्यसभा के अंदर दो दिन के अंदर 15 विधेयकों को बिल को पास कराने का काम किया है, और जिससे कि 70-80% इस देश की आबादी की आजीविका आज खतरे में है। सिर्फ किसान नहीं, किसान के साथ साथ इस देश में जो कृषि उत्पादकों को बेचता है वो व्यापारी, उसके साथ साथ उपभोक्ता और उसके साथ जो गरीब है, ये चारों लोगों पर मोदी सरकार ने हमला किया है। क्यों? क्योंकि आज जो 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 किसान है वो सड़कों पर है, गुस्सा में है, और वो बार बार ये सोच रहा है कि मेरा और मेरे आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। मोदी जी, अगर आप अनाज खरीदेंगे तो किस एजेंसी से खरीदेंगे, FCI का क्या होगा, और जो जिन किसानों का अनाज बड़े उद्योगपति नहीं खरीदेंगे उसका अनाज कौन खरीदेगा, और जो सुदूर इलाके हैं वहाँ क्या कंपनियाँ जाएंगी, कंपनी अपने फायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगी, लोगों का पेट भरने के लिए नहीं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जिस भारत के साथ जो मुल्क आज़ाद हुए थे उसमें सिर्फ भारत एक ऐसा देश था जिसने 25 साल के अंदर अंदर इस देश के किसानों, वैज्ञानिकों और उस समय के कांग्रेस के नेतृत्व के कारण इस देश को खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर बनाया था। उस खाद्यान्न सुरक्षा का क्या होगा जो पिछली UPA सरकार में सोनिया गांधी जी के प्रयासों से जो खाद्य सुरक्षा कानून बना था उसका क्या होगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या होगा, इस देश के गरीबों का पेट कैसे भरेगा, ये सारे सवाल हैं जिन सवालों से मोदी सरकार छुप के और इस देश के अंदर पिछले दरवाजे से ये कानून बनाने का काम कर रही है। सीधा सीधा मोदी सरकार इस देश के बड़े कारपोरेट घराने और दुनिया की जो बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं उन शक्तियों की कठपुतली सरकार के रूप में एक एक फैसला ये ले रहे हैं। मजदूर जो है, मजदूर से आप बात नहीं करना चाहते, किसान से आप बात नहीं करना चाहते, और प्रधानमंत्री मोदी के शब्द तो अर्थ खो चुके हैं, क्योंकि एक बार नहीं अनेकों जो उन्होंने कहा है उसके विपरीत देश में होता है, उनकी विपरीत सरकार करती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि 26 तारीख को पूरे देश में ऑनलाइन किसान के समर्थन में लोग अपनी बात रखेंगे। 28 तारीख को हर राज्य के मुख्यालय में हम प्रदर्शन करेंगे। 2 तारीख को इस देश के अंदर महात्मा गांधी के दिवस पर हम किसान मजदूर दिवस कांग्रेस पार्टी मनाएगी। 10 तारीख को हर राज्य में किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, और 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक इस देश के गांव-गांव शहरों में जाकर कांग्रेस के हमारे साथी सब हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। 2 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर करा के इस देश के राष्ट्रपति को देने का काम करेंगे। लेकिन इस देश के किसानों, मजदूरों, भरोसा रखो, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आपकी इस तकलीफ में, आपकी इस लड़ाई में पूरी ताकत के साथ लड़ने का काम करेगा।